पता है जेसी, कल मैंने एक सपना देखा था। उसमें एक आदमी एक पुरने वाली बाइक चला रहा था। बेवकूफों जैसे बात मत करो देव, बाइक को भी उड़ नहीं सकती। किसने कहा? एक ऐसी भी बाइक है जो उड़ सकती है। क्या? हाँ, एक ऐसी भी दुनिया है जिसमें सिर्फ उड़ने वाली बाइक ही नहीं होती, उड़ने वाली गाड़ियाँ भी होती है, और आप उड़ने के लिए झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दुनिया में क्या हम भी उड़ सकेंगे? नहीं बेटा, सिर्फ वो लोग ही उड़ सकते हैं जो जादू करना जानते हैं। जादू? हाँ जादू। एक ऐसी भी दुनिया है जिसमें जादूगर और जादूगरनियाँ रहती है। मम्मी, क्या हम भी उस दुनिया में जा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। पर कैसे? एक कहानी की मदद से। तुम्हें सिर्फ उसे सुनना है और उसे महसूस करना है, तो चले। कहानी का नाम है हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय जेके रॉलिंग। चैप्टर 1, वो लड़का जो जिंदा बच गया। प्रीवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली तो गर्व से कहते थे कि हम पूरी तरह साधारण लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वो इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की एक ड्रिल बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर थे। मिस्टर डर्सली बहुत बड़ी मूंछों वाले मोटे तगड़े आदमी थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुगली पतली महिला थी, जिनकी गर्दन तो सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। ये लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वो बगीचे की मुंडेर के पार से ताक झाक और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था डडली, जिसके बारे में मिस्टर और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, पर उनके जीवन में एक रहस्य भी था, और उनका सबसे बड़ा डर यही था कि किसी को भी ये रहस्य पता ना चल जाए। वो ये सोचकर कांप उठते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, पर वो दोनों कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो ये था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती फिरती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतना ही अलग था जितना अलग होना संभव था। ये सोचकर ही डर्सली दंपति के होश उठ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वो जानते थे उनका छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने कभी उसे देखा नहीं था। ये बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वो लोग पॉटर परिवार से दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डडली उस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोरियत भरी मंगलवार की सुबह जागे जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, तो बादलों भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं जल्दी ही शुरू होने वाली है। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए अपने सबसे बोरिंग टाई निकाली और गुनगुनाते हुए उसे पहनने लगे, और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी। इसके साथ ही वो हल्ला मचाते हुए
डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती लड़ रही थी। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, अपनी पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय उछल रहा था और अपना नाश्ता दीवार में फेंक रहा था। नन्हा शैतान, मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लार से कहा। वो अपने कार में बैठे और 4 नंबर की पोर्ट से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली ये समझा ही नहीं कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा, एक भूरी बिल्ली जो प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं दिख नहीं रहा था। मेरे दिमाग में भी कैसी ऊट पटांग विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से मुझे आंखों का धोखा हुआ था। उन्होंने बिल्ली को ठीक से घूरा, बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े, तब उन्होंने गाड़ी के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली उस साइनबोर्ड की तरफ दिख रहा था जिसमें लिखा था 4 प्रिविट ड्राइव। एक पल तो ऐसा लगा कि वो बिल्ली साइनबोर्ड पढ़ रही थी। नहीं नहीं, बिल्लियां ना ही नक्शा पढ़ सकती है ना ही साइनबोर्ड। उन्होंने अपना सिर उचकाया और बिल्ली को अपने दिमाग से निकाल दिया। जब वो शहर की तरफ बढ़े, तब उनके दिमाग में कुछ नहीं था ग्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें आज मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का ख्याल निकाल दिया। जब वो हर सुबह की तरफ आज भी ट्रैफिक जैम में फंसे, तब उनका ध्यान गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसी ऊट पटांग से कपड़े पहनते हैं। लगता है ये कोई नई बेवकूफी भरी फैशन होगी। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी नजर कुछ अजीब लोगों के समूह पर पड़ी। ओह गॉड, इनमें से ज्यादातर तो बिल्कुल भी जवान नहीं, और उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आ रही ऐसा गहरा हरा चोगा पहने हुए, उसकी ये मजाल। तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा और अपने मन में कहा, शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण चीज से होगा। हो सकता है कि ये लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट के अंदर ही वो अपने कंपनी के पार्किंग में पहुंच गए। उनका दिमाग फिर से ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल में अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे, इसीलिए वो घड़ी दोपहर में तेजी से उड़ने वाले उल्लुओं को नहीं देख पाए। पर नीचे सड़क में तो लोग रोमांचित होकर बातें कर रहे थे इस बारे में। वो देखो कितने उल्लू। इतने उल्लू भरी दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हैं? उल्लू, ये इतनी तेजी से क्यों उड़ रही है? मैंने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा है, और ये लोग दिन के उजाले में यहाँ। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह से सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नाम और निशान भी नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई जरूरी टेलीफोन्स किए और ज्यादातर वक्त फोन पर ही वो चीखते चिल्लाते रहे। लंच के वक्त तक उनका मूड काफी सुधर चुका था। उन्होंने सोचा, क्यों ना सामने वाली बेकरी से स्वीट ब्रेड लाया जाए।
चोगा पहनने वाले लोगों के बारे में वो तो पूरी तरह से भूल ही चुके थे, परंतु बेकरी के पास वो एक बार फिर उनके पास से गुजरे और उनकी तरफ गुस्से से देखा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वो लोग थोड़ा परेशान हो गए। बेकरी से लौटते वक्त उन्होंने देखा कि वो लोग रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे। क्या वो सचमुच वहां पे गया था? हाँ हाँ, पटर परिवार के घर पे। हाँ सही है, मैंने तो ऐसा ही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। ये बात सुनके मिस्टर डर्सली के पैर को तो जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हो, परंतु उन्होंने इसी में भलाई समझा कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क पर दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते अपने ऑफिस में घुस गए। यहाँ से जाऊं और इस वक्त मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करना, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फटकारते हुए कहा और हफट कर फोन उठाया। उन्होंने घर का नंबर लगभग पूरा डायल ही कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदला और रिसीवर दोबारा नीचे रख दिए और मूंछों पर हाथ फेरते हुए सोचे, नहीं नहीं, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा था। पॉटर नाम के और भी बहुत लोग होते हैं। मुझे विश्वास है कि पॉटर नाम के ऐसे भी बहुत लोग होते होंगे जिनके बेटे का नाम भी हैरी होगा। वैसे देखा जाए तो मुझे भी पक्का पता नहीं है कि मेरे भांजे का नाम हैरी ही है। मैंने तो पहले उसे कभी देखा भी नहीं। हो सकता है कि उसका नाम हार्वी या हैरल्ड हो, परंतु चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने के लिए उन्हें बहुत कठिनाई हुई और जब वो 5 बजे ऑफिस से निकले तब वो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते वक्त एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वो लड़खड़ाते हुए बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक दुगला बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर गया। कुछ सेकंड के बाद मिस्टर डर्सली का ध्यान उस तरफ गया कि वो आदमी पर्पल कलर का चोगा पहने हुए था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि उसने अपना पतले और कांपती आवाज में कहा, कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मंगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग भी घूरने लगे और फिर उसी बूढ़े आदमी ने मिस्टर डर्सली के कमर में हाथ डाला और उन्हें गले लगा लिया और वहां से चला गया। मिस्टर डर्सली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। किसी अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। सिर्फ यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी बोला था, चाहे इसका जो भी मतलब हो। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वो अपने गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि अब तक जो कुछ हुआ था वो उनकी कल्पना थी और ये आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि कल्पना की उड़ान को वो कभी भी पसंद नहीं करते थे। जब वो अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तब उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देख के उनका दिमाग और खराब हो गया। वही भूरी बिल्ली जिसे उन्होंने सुबह देखा था, वो अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठे हुए थे। ये वही बिल्ली थी क्योंकि इसके आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह का निशान था। शो, शो, शो। मिस्टर डर्सली चिल्लाए, बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके वजह बिल्ली ने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा।
क्या ये आम बिल्लियों जैसा बर्ताव था? अपने आप को संभालते हुए वो घर के अंदर घुसे। अब भी उनका ये पक्का इरादा था कि वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन सामान्य रहा था। डिनर के वक्त मिस्टर डर्सली अपनी बातों को सामान्य रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वर्नन, जानते हो, हमारी पड़ोसी और उनकी बेटी के बीच शायद कुछ बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं। आज सुबह ही मैंने उनका झगड़ा सुना। शायद उन्होंने अपनी बेटी को रंगे हाथ पकड़ा किसी लड़की के साथ। अच्छा, तुम्हें तो पहले से ही शक था, है ना? हाँ, वो तो था। उसे देखकर कोई भी कह सकता है, उसकी चाल चलन कुछ ठीक नहीं। सही कहा। पता है, आज डर्ली ने एक नया वाक्य सीखा है। हाँ डर्ली बेटू, अपने डैडी को वो बात बता। नहीं करूंगा। जब डडली को सुला दिया गया, तब वे समय रहते ड्राइंग रूम में आ गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके। और अंत में, हर जगह के लोग बता रहे हैं कि आज इस देश की उल्लुओं की हरकतें बहुत ही अजीब रही। हालांकि उल्लू आम तौर पर रात में ही शिकार करते हैं और दिन के उजाले में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उठने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते नजर आए हैं। विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का वक्त क्यों बदल डाला। बड़ी हैरानी की बात है। अब मौसम की जानकारी के लिए आपके लिए हाजिर है जिम मैकफिन, हमारे विदेशी दोस्त जो हमारे भाषा में थोड़े से अटकते हैं। तो जिम, आज रात भी क्या उल्लुओं की बारिश की संभावना है? हेलो टेड, मैं उस बारे में तो नहीं जानता, पर आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं रही। केंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था, उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्यौहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। ये अगले हफ्ते है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी में बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, इनके उजालों में उल्लू का उड़ना, हर तरफ चोगे पहने लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली दो कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब सब कुछ बताने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही था। पेटोनिया डियर, हाल ही में तुम्हारे बहन की कोई खबर आई है क्या? नहीं, क्यों? जैसा उन्होंने सोचा था। ये सुनकर मिसेस डर्सली को झटका लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि आमतौर पर वो लोग यही जताते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन ही नहीं। समाचारों में बहुत अजीब खबरें आ रही थी, उल्लू, उल्काए, और शहर में आज बहुत से अजीब तरीके के लोग घूम रहे थे। तो मैंने सोचा कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होंठ सिकुड़ कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डर्सली ने विचार किया, क्या उनमें ये बताने की हिम्मत है कि उन्होंने पॉटर नाम सुना था? अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वो जितनी सामान्य ढंग से कह सकते थे उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी तो हमारे डडली जितनी ही होगी। मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए। उसका नाम क्या है? हैरल्ड, है ना? हैरी, और मुझे लगता है कि बहुत घटिया और सड़क छाप नाम है। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वो लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए, तब से मिस्टर डर्सली उस
विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी तब मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम के खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे से बाहर झांका। बिल्ली अब भी वही थी। वो प्रीवे ड्राइव के मोड़ पर आंखें गड़ाए थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था। क्या ये मेरा वहम था या इस सब का पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो, अगर किसी को ये पता चल जाए कि हमारा संबंध ऐसे लोगों से है तो? बहरहाल ये तो तय है कि मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तत्काल सो गई, पर मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग भला उनके और मिसेस डर्सली के पास आएंगे भी क्यों? पॉटर पति पत्नी ये अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में वे और पिटूनिया किस तरह के विचार रखते थे। उन्होंने उबासी ली और कड़वाट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। मेरा अंदाजा भी कितना गलत था। मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में तो नींद का नामो निशान भी नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और बिना पलक झपकाए प्रीवे ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजर गड़ाए थी। जब बगल वाले सड़क पर किसी कार का दरवाजा बंद हुआ तब भी वो नहीं हिली, ना ही तब जब उल्लू उसके सिर के ऊपर से उठते हुए गए। लगभग आधी रात के करीब ही वो बिल्ली अपने जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी वहां एक आदमी प्रकट हुआ। वो इतनी अचानक और चुपचाप प्रकट हुआ था कि देखने वालों को लग सकता था कि वह जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी रिवर ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। वो लंबा, दुगला और बहुत बूढ़ा था। उनकी उम्र उनके बालों और दाढ़ी के सफेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही बहुत लंबी थी। वो लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और वो ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहने थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उनकी नीली आंखें साफ और चमकदार थी। उनकी नाक बहुत लंबी थी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम दो बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था अल्बर्स डंबलडोर। वो अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा, जो सड़क के दूसरे छोर से अभी भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों उन्हें बिल्ली को देखकर बहुत खुशी हुई और अपने आप से ही बोले, हाँ, मुझे मालूम होना चाहिए था। वो जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिला। ये एक चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया। अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपनी बत्ती बुझाने वाले यंत्र को बार बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ दो छोटी रोशनियां ही बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें, जो उन्हें ही देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे वो चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों ना हो, तो भी वो ये नहीं देख सकती थी कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डंबलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को अपने चोगे में वापस रखा
और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वो बिल्ली के पास मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली से कहा, आप यहाँ क्या कर रही है प्रोफेसर मैकगनगल? उन्होंने तो ये बिल्ली को देखकर कही थी, परंतु वो बिल्ली कहीं दिख नहीं रही। बिल्ली के जगह एक गंभीर से दिखने वाली महिला खड़ी थी। उन्होंने डंबलडोर की तरफ देखकर शर्मिंदगी से कहा, गुड इवनिंग प्रोफेसर डंबलडोर, आप कैसे समझे कि बिल्ली मैं ही थी? वो बिल्ली असल में एक औरत थी? ये कैसे हो सकता है? ये तो बस कहानी की शुरुआत है, अभी तो हैरानी शुरू हुई है। हैरान होने लायक तो अभी बहुत कुछ बचा है। मम्मी, मगलू क्या चीज है? ये इस कहानी के सबसे साधारण चीज है, सबसे सामान्य पहलू। थोड़ा और धैर्य रखो, आगे आगे सब पता चल जाएगा। पर वो औरत कौन थी और वो बूढ़ा आदमी वो कौन था, और हैरी पॉटर के बारे में सब क्यों बातें कर रहे थे? पॉटर परिवार के साथ हुआ क्या था? धैर्य रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसके लिए तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, सारे सवालों का जवाब इसी से मिलेंगे। आगे क्या हुआ बताओ ना मम्मी। अगला हिस्सा किसी और दिन बताऊंगी, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट।